अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबियाए किराम को भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। इनके बीच में 313 रसूल भेजे और 1,24,000 कम वेली नबी भेजे। नबी का काम क्या होता है, रसूल का काम क्या होता है? नबी का काम, रसूल का काम दुनिया में अमन अमान और इंसाफ को कायम करना है। जब इंसाफ कायम होगा तो जुल्म खत्म हो जाएगा। जब जुल्म खत्म हो जाएगा तो अमन अमान कायम हो जाएगा। नतीजा ये निकला कि दुनिया में अंबियाए किराम की तशरीफ आवरी इस्लाम के लिए और अपने आलम के लिए है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि लकद अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को, नबियों को मुअज्जिज़ात और वाज़ह दलाइल देकर भेजा। وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، और उनको किताबें अता की, किताबें इस्लाम के लिए, हिदायत के लिए अता की, और मीजान देकर भेजा कि दुनिया में अमन अमान और इंसाफ कायम करे। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत के माल तकसीम किए। इनमें कुछ कुरैशियों को और नौ मुस्लिमों को ज्यादा दिया दिलजोई के लिए, तारीफ कल्ब के लिए। ये तकसीम हो रही थी उसके दौरान एक बदतमीज शख्स आया और उसने कहा, वो हुजूर आप तकसीम में इंसाफ से काम लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। आपने फरमाया, दुनिया जुल्म और सितम से भरी हुई थी, हर तरफ शिर्क का दौर दौरा था। अल्लाह की जात और सिफात को लोग भुला बैठे थे। अल्लाह ने मुझे इसलिए दुनिया में भेजा है ताकि मैं इंसाफ कायम करूं, तो नबी इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? नबी जुल्म को मिटाने के लिए आता है। अब जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म हक तल्फी को कहते हैं। हक वाले को उसका हक न देना जुल्म है। हदीस शरीफ में फरमाया, वातु कुल्लजी हक इन हक का,
और हम वाले को उसका हक देना। मिसाल के तौर पर शौहर है तो शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी के हुकूक बजा लाए, अदा करे। अगर वो बीवी के हुकूक में कमी करेगा तो ये जुल्म हो जाएगा। इसी तरह बीवी के जिम्मे लाजिम किए हैं शौहर के हुकूक। अगर वो शौहर के हुकूक बजा लाती है तो इंसाफ है, और नहीं बजा लाती है तो जुल्म है। इस जुल्म के नतीजे में घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल होगा और घर का अमन दारक हो जाएगा। तो घर का मुखिया शौहर होता है और पूरे घर में इंसाफ के साथ, औलाद के साथ, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ उनकी हुकूक की अदायगी का करना, ये घर के माहौल को पुरसुकून बना देगा। आज इल्ला माशाअल्लाह हर घर में झगड़ा। झगड़े की वजह यह है कि मीजान कायम नहीं है, यानी जो हक अदा होने चाहिए वो हक अदा नहीं होते, तो एक शोर बरपा होता है, बदअमनी का माहौल पैदा होता है। या शौहर बीवी के हक नहीं बजाना का झगड़ा होगा। और एक लुत्फ की बात आपको बताऊं, वो ये है कि दुनिया में हर इंसान अपना हक मानता है और अपने आप को हक पर कहता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं जुल्म कर रहा हूं, वो ये कहता है कि मैं हक पर हूं। आज दुनिया में हुक्मरान जुल्म की इंतहा कर चुके, लेकिन वो अपने आप को शांति का दूत बताते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया में जो है दहशत गर्दी को खत्म कर रहे हैं, हालांकि रात दिन उनकी खुद की दहशत गर्दियां जारी हैं और उनकी दहशत गर्दियों से दुनिया हंगामों का एक मैदान बन गई है। एक तूफान बरपा है, हर आदमी को शिकायत है। मैंने छोटी सी मिसाल ली, हर आदमी अपना हक लेना तो चाहता है, लेकिन हक देने की बात आती तो पीछे हट जाता है। शौहर कहता है कि बीवी मेरा हक नहीं दे रही है, बीवी कहती है कि शौहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा है। अब होना ये चाहिए कि दोनों तरफ से हुकूक की बजावटी हो, शौहर बीवी के, बीवी शौहर के हक को अदा करे। ये हाल मां बाप का और औलाद का है। मैं छोटी मिसालें देता हूं, ये छोटी दुनिया है, ये छोटी संस्था है, ये छोटा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर ये छोटे एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाइए। एक मस्जिद के मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे और क्या ना करे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद को वसी करने के बाद उस पर बड़ा छप्पर डाला और यह फरमाया कि मेरी जिम्मेदारी है कि हर नमाज के लिए आने वाले के लिए मैं सुकून और इत्मीनान का माहौल फराहम करूं, ताकि लोग इत्मीनान से नमाजें पढ़ सकें, अल्लाह की इबादत बजा ला सकें। तो मुतवल्ली की यह जिम्मेदारी है। ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, थोड़ा सा घर से निकले बाहर तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया।
अब एक मदरसे का मुहकमिन है, उसकी जिम्मेदारी है कि असातिज़ा का ख्याल रखे, तलामिज़ा का ख्याल रखे, उनको खाना पीना मिल रहा है, तमाम चीजें मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज दो है, तालीम और तरबियत। कि तालीम भी मिल रही है, उससे ज्यादा तरबियत मिल रही है कि नहीं। और बच्चे अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सीख रहे हैं कि नहीं, उनकी जिंदगियों में आ रहा है कि नहीं, ये बात। जैसे मदरसे में मोहतमीन के जिम्मे है कि बच्चे पंच वक्ता नमाजों में पाबंदी से आ रहे हैं कि नहीं, ये भी देखें। खाली पढ़ा के छूट नहीं जाना, वो तो ऑनलाइन भी तालीम हो रही है, लेकिन इनको पंच वक्ता नमाजों का पाबंद करवाना, इनको तिलावत के लिए बिठाना, इनके अखलाक को दुरुस्त करना, इनकी इस्लाम करना, ये जब तक सामने नहीं बैठेंगे वहां तक नहीं हो सकता। एक अमीर जमात लेकर चलते हैं तो उस अमीर के मातहत चंद लोगों को दिया जाता है। अब अमीर की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी खिदमत की जिम्मेदारी है कि हर साथी की खिदमत अंजाम दे, और उसको कोई शिकायत तो नहीं है, इसका ख्याल रखे। ये जाहिरी तो ख्याल रखने के बाद तीसरा काम अमीर की जिम्मेदारी ये है कि जमात जुड़कर चल रही हो और आपस में इख्तलाफ ना हो। अगर इख्तलाफ होगा तो फिर काम नहीं हो सके, काम मिलकर होगा। इसकी दलील अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, जब तुम जिहाद के लिए और अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए निकलो तो वला तनाज़ऊ, तुम्हारे दरमियान झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसका ये ख्याल है, वो ये करना चाहता है, हर आदमी अपनी चलाना चाहता है, तो जमात कैसे चलेगी? इसलिए अकाबिर ने फरमाया कि जमात के ऊपर एक जिम्मेदार रखा जाए। जिम्मेदार का काम ये नहीं एक गलती से सबको आंक कर ले, जिम्मेदार का काम ये है कि जो उसूल हमारे मशायख ने और बुजुर्गों ने बताए हैं उसके मुताबिक वो और उसकी जमात चल रही है कि नहीं। वक्त पर तालीम का होना, वक्त पर नमाजों का होना, वक्त पर गश्त का होना, लोगों से गुफ्तगू करना, वक्त पर खानों का होना, उसके लिए जिम्मेदारियां तकसीम करना, उसके लिए एक जिम्मेदार। कुरान करीम ने फरमाया الرجال قوامون على النساء, मर्द जो है ये घर का मुखिया है, तो घर के अंदरों के माहौल को इंसाफ करेगा तो दुरुस्त रख पाएगा, और अगर ऊंच नीच होगी तो घर का निजाम दरहम दरहम हो जाएगा। तो कुरान करीम में फरमाया वला तनाज़ऊ, याद रखो तुम्हारे दरमियान झगड़ा आपस में ना हो जाए। इख्तिलाफ़े राय हो सकता है, भाई आपकी राय कुछ है, उनकी राय कुछ है, लेकिन अमीर मुकर्रर कर दिया कि ये रायों के इख्तिलाफ के साथ वो फैसला करे क्या करना क्या है, और उसके फैसले पर सबको मुतमईन हो जाना। इसके लिए दलील कुरान करीम में है, फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अला अल्लाह, पहले तो मशवरा करो, बाहम बैठो और अच्छी राय, अमीर साहब से भी अच्छी राय मामूल किया गई तो क्या करे, फरमा उसकी बात को अमीर कबूल कर ले और मानने के जज्बे के साथ चले। तो ये मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली हजरात की जिम्मेदारी, हुजूर की जिम्मेदारी क्या थी? सब में लोग दुरुस्त तरीके पर खड़े हो रहे हैं कि नहीं, इसका ख्याल रखें। नमाजें कैसी पढ़ रहे हैं इसका ख्याल रखें।
नमाज अगर सही नहीं हो रही है तो नबी का काम और इमाम का काम यह है कि मुक्तदियों की मोहब्बत के साथ इस्लाह करके उनकी नमाजों को दुरुस्त करें, ये इंसाफ है। हदीस शरीफ में है, एक शख्स आया मस्जिद के कोने में, वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़कर वो सरकार की जुम्मत में हाजिर हुआ और सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर पूछा कि वो तुम कोने में क्या कर रहे थे? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। उसको कहा मैं तुम्हारी नमाज का जायजा ले रहा। हजरत अबू बकर रात को तिलावत करते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रात को तिलावत करते हैं, लेकिन दोनों की तिलावत में फर्क है। वो इतना आहिस्ता करते हैं कि आवाज नहीं सुनाई देती, वो इतनी जोर से करते हैं कि दूसरे लोग उठ जाते। वो बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं, ये सिरी तौर पर करते हैं। अब नबी का काम इस्लाम, बहुत सीमित तौर पर जो पढ़ रहे थे उनको अपनी आवाज जरा बुलंद करने के लिए कहा, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा शैतान को भगा रहे हो, अच्छी बात है। कुरान की तिलावत से शैतान भागता है, अजान की आवाज से शैतान भागता है, तो तुम भगा रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन थोड़ा सा आपका आवाज लाउड है, इसको कम कर। नबियों का काम तरबियत करना, तज़किया का यही माना है कि अखलाक को दुरुस्त किया जाए। हुज़ूर के जो चार मिशन बयान फरमाए उनमें से यह अहम मिशन है कि तरबियत मुरीद करे, सालिक की तरबियत करे। शेख का काम भी यही है, उसको यही देखना होता है भाई कहां कौन सी गलती हो रही है, उसकी मोहब्बत से इस्लाम करना। यह तरीका बताया। अब अगर आपस में इख्तलाफ होगा जंग के मैदान में तो दुश्मन का काम बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर आपस में इख्तलाफ हुआ तो इख्तलाफ हवा को उखाड़ देता है, जमात को बैर बिखेर कर देता है, तितर बितर कर देता है। जुल्म आया तो घर का निजाम बिगड़ा, जुल्म आया तो जमात का निजाम बिगड़ा, इंसाफ और अमन कायम नहीं हुआ तो फिर परेशानियां पैदा हो। और पूरे मुल्क का हाकिम अगर इंसाफ के साथ काम लेता है तो पूरे मुल्क में अमन अमान होगा, और अगर अमन अमान नहीं है तो समझ लो कि हमारा जालिम इंसाफ से काम नहीं ले रहा है बल्कि जुल्म से काम ले रहा है। अब जुल्म के दर्जे, जरूरत से ज्यादा खा लेना ये जुल्म है। खाने के लिए बताया कि भाई इतने ग्राम और इतना खाना आपको खाना है, उतना खाना कि भाई एक हिस्सा जो है वो गिजा का हो, एक हिस्सा पानी का हो, एक हिस्सा हवा का हो। अब तीनों हिस्से खाने से भर दिए तो बाकी की दो चीजों का हक आपने तलब कर डाला। अब इसके नतीजे में क्या होगा? बदहजमी होगी। बदहजमी के नतीजे में जिस्म का निजाम बिगड़ा, तो पेट का निजाम ठीक करने का तरीका भी ये बताया कि इस तरह से तकसीम करो तो निजाम ठीक चलेगा, वरना इंतजार हो जाएगा। इसी तरह जंग के मैदानों में दुश्मन का सबसे बड़ा काम यह होता है कि सामने वाली जमात के अंदर फूट डाल दी जाए। जब इख्तलाफ होगा तो ताकत बिखर जाएगी। आज हमारी ताकत बिखरने की वजह यह है कि हम फिरकों में बहुत तकसीम हो गए। ये 73 फिरकों में से सिर्फ एक फिरका जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फिरका और ये जमात कौन सी है, मा अना अलैहि व असहाबी, मैं जिस तरीके पर हूं
और जिस तरीके पर मैंने सहाबे किराम को चलाकर एक जमात एक टुकड़ी तैयार की, एक बात आपको मैं समझाऊं बड़ी आम है, आजकल बहुत बहस हो रही है उस पर। सहाबे किराम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किए गए, ये सहाबे किराम मामूली लोग नहीं है, ये लोग सच्चे हैं, इंतहाई तौर पर सच्चाई को मानना पड़ेगा। दीन इनके वास्ते से हम तक पहुंचा है, तो अगर आपने इन्हीं पे इश्काल करना शुरू कर दिया तो पूरे दीन पर इश्काल आएगा, पूरे दीन पर एतराज आएगा, क्योंकि बुनियाद ही के ऊपर एतराज हो गया तो पूरी बिल्डिंग तो उस पर खड़ी है। एक ये बात, अब दूसरा एक अहम मजमून समझो, वो मजमून ये है कि जितने अंबियाए किराम अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे वो बरहक हैं, ये हमारा ईमानी अकीद है। वो जो तालीमात जिस जमाने में लेकर आए वो तालीमात भी अपनी जगह बरहक है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो तालीमात किसी भी नबी की नाकिस नहीं होती। एक बात नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि दुनिया में जो भी नबी आता है अपनी तालीमात जो अल्लाह के यहां से उसे दी जाती है उसको जब तक कंप्लीट नहीं करता अल्लाह वहां तक उसको दुनिया से उठाते नहीं। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया कि वो नाकिस तालीम देके चला गया हो, उम्मत को आधे रास्ते में छोड़ दिया हो, ऐसा कोई नबी नहीं आया। गुरु नानक नबी नहीं, इसके बीच में से छोड़कर चला गया, छड़ा गया तो ऐसा गया कि उसकी जमात ने इधर की रही ना उधर की रही, तो वो झूठा दावा था। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के काम के और तबलीग के दरमियान में कई मर्तबा कतल की साजिशों का शिकार होना पड़ा, लेकिन हर वक्त अल्लाह ताला ने नबी की हिफाजत फरमाई क्योंकि दीन को मुकम्मल करना है। जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए उन तमाम में से मुंतखब तरीन नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु, आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब नबियों के इमाम है और सरकार। तो आपकी तालीमात भी दुनिया के जितने नबियों की तालीमात है उनकी तकमील करने वाली है, उससे कंप्लीट और कोई तालीम नहीं आई। बोरिस को ले उतम में मकारे में अखलाक, मुझे मकारे में अखलाक की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने भेजा, और इसके लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात और दिन एक किया। अब आप इमाम अंबिया हैं, इसकी दलील क्या है? मेराज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर ले चले। बुराक को बुराक इसलिए कहते हैं कि बर्क रफ्तार यानी बिजली की रफ्तार से चलने वाली, ये भी इसकी साइज कितनी थी वो भी बताया, इसकी रफ्तार क्या थी वो भी बताया, और ये दो आदमियों का काफिला निकलकर पहुंचा बैतुल मुकद्दस। वहां अल्लाह ने अंबियाए किराम की अरवाह को मुजस्सम करके पहले से नबी के इस्तेमाल के लिए रखा। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया, क्या करेंगे इस्तेमाल के बाद, हम दुनिया में इस्तेमाल के बाद इधर उधर की बातें करते, लेकिन नबी को बताया गया कि इस्तेमाल के बाद अब मसला इमामत का तय करना है, और दुनिया को यह बताना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नबी और रसूल नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया है। अब सफे लगी हुई है, लोग मुंतजर हैं कौन
इमाम बनेगा और मूसा अलैहिस्सलाम भी है वो हजरत जब अंजद हजरत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है अबू आदम कौन पढ़ाएगा नमाज इसका फैसला कौन करेगा कि नमाज कौन पढ़ाए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामा और थाम कर जो है इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया तमाम अंबिया ने हुजूर की इब्तिदा में नमाज अदा की और दुनिया को यह पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नबी नहीं है इमामुल अंबिया है एक तो ये बातें वक्त कम है दूसरी बात ये समझो जैसे अल्लाह ने हुजूर को तमाम अंबिया किराम में मुंतखब किया इसी तरह दुनिया के नबियों के अस्हाब में से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मुंतखब किया ये मुंतखब लोग पूरी दुनिया के मुंतखब लोग हुजूर को दिए गए और ये मुंतखब लोगों ने फिर पूरे आलम के अंदर ये दीन को फैलाया और उसकी नशर इशारा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बेहतरीन अमला तैयार किया और इतना बेहतरीन तबका तैयार किया और उसकी गारंटी खुद अपनी तरफ से दे दी वो गारंटी क्या थी फरमाया खैरुन नास करनी एक पल अक्सर तो खुदों के अंदर खैरुल कुरून करनी पढ़ते हैं लेकिन रिवायत में खैरुल कुरून नहीं मिलता है खैरुल उम्मती करनी खैरुल नास करनी ये जुमला होना चाहिए फरमा ये जो मेरा तबका है ये तबकों में दुनिया के मुंतखब है तो जो दुनिया के मुंतखब लोग हैं उन्होंने मुंतखब नबी से मुंतखब तालीम हासिल करके पूरी दुनिया के सामने रखी और वो पूरी दुनिया के सामने लाए तो मैं आज कर रहा था कि नबी कैसे इस्लाह करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया सलाम का जवाब देने के बाद कहा तुम क्या कर रहे थे उन्होंने कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था कहा मैं तुम्हारी नमाज का जायजा ले रहा एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए मुसल्ले पर आ गए नमाज भी पढ़ा दी और नमाज के बाद फरमाया तुम मत समझना कि तुम्हारी नमाज की हालतों पर मुझे पता नहीं चलता तुम कैसी नमाज पढ़ते हो ये भी मुझे बताया गया है तो गलत काम करोगे पहले जब सफों की दुरुस्तगी का ऐलान नहीं आया था और पहली मरतबा जब सफों की दुरुस्त करने का ऐलान आया हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते थे कि तुम अजान की इकामत करो और फिर हुजूर निकल गए एक एक आदमी को सब के अंदर दुरुस्त करते जितनी सफें हैं उन तमाम सफों को दुरुस्त करने के बाद फिर हुजूर मुसल्ले पर तशरीफ लाते और तशरीफ लाकर इमामत करता यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फिर यह अमल कब छोड़ा आपने जब देखा कि लोगों के अंदर सलीका पैदा हो गया अब सफों में दोस्त खड़े रहते नजर डालते ही हुजूर पलट कर कि हर आदमी सब के अंदर दुरुस्त खड़ा है कि नहीं करीब खड़ा है कि नहीं अभी डिस्टेंसिंग का मसला है लेकिन ये मसला भी आपको आड़े नहीं आता और डिस्टेंसिंग को जो है हुकूमत के कानून को आपने बालाए कान रख दिया भाई हम तो नहीं करेंगे अल्लाह का जो फैसला होगा वो होगा मर्जी आपकी है कानून अपनी जगह है तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा नमाज पढ़ो दोबारा फिर नमाज पढ़ो कहा नहीं इसको नमाज नहीं कहते रद्द कर दिया उनके नमाज पढ़ने का हालांकि नमाज पढ़ रहे हैं उधर देखे रुकू भी कर रहे हैं सजदा भी कर रहे तीसरा नंबर है
फिर सलाम किया आदम, और मैं ये क्या किया तुमने, कहा नमाज पढ़ी, हुजूर इससे अच्छी नमाज मुझे आती नहीं, और नबी का काम तो डांटा नहीं हुजूर ने, नहीं आती ऐसी ही आती है जैसी के पढ़ रहे हो, कहा हाँ ऐसी ही आती। अच्छा मैं बताता हूं, अब हदीस आई पूरी लंबी हदीस, खड़े कैसे रहना है, हाथ बांधना है, रुकू में कितने देर ठहरना है, क्या पढ़ना है, निहायत तमानी के साथ और इत्मीनान के साथ पूरी नमाज का तरीका बदलाया और तरबियत फरमाई। तो यूं मस्जिदों का निजाम इंतहाई तौर पर मुनज्जम और मुकम्मल हुआ। जुल्म का माना मैं आपको बता नहीं सका, लेकिन खाली इतना बताया कि जुल्म छोटा भी होता है, जुल्म बड़ा भी होता है। सबसे बड़ा जुल्म खाली बता दो शिर्क, सबसे बड़ा जुल्म इंसान अगर कर रहा है, हम तल्खी कर रहा है, तो यह है कि अल्लाह का खाता है और दूसरों का दाता है। अल्लाह खाना दे रहे हैं, रोजी दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, जिंदगी उसकी दी हुई है, लेकिन ये तमाम चीजों को नजरअंदाज करके किसी गैर के सामने दंडोत कर देना और किसी गैर को माबूद का दर्जा दे देना, इसका नाम जुल्म है। आयत जो पढ़ी थी उसमें इसी की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो घड़ी ठीक चल रही है, 32 बता रही है, क्योंकि आगे पीछे घड़ियां होती, सामने घड़ी मुझे नजर नहीं आ रही, इससे साइड पर मैंने घड़ी देखी, 1:32 ये सही होगी, क्योंकि वो सामने वाली जो घड़ी जो मुकर्रे के सामने रखी जाती है उसके अंदर पहले से टाइम आगे रखा जाता है, क्योंकि मुकर्रे 2-4 मिनट आगे पीछे करता ही है, इस बिना पर वो रखा जाता है, वक्त मेरा खत्म हो गया। जुल्म की हकीकत को समझे और अपने समाज की इस्लाह और दुरुस्तगी का ख्याल रखें। ये सिलसिला जो है अभी बाकी है, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता करता है।